नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। मैं अभी हूं भागलपुर के लाजपत पार्क में। इससे पहले कि राजनीतिक मुद्दों पर मैं चर्चा करूं, आपको मैं पार्क की कुछ वस्तु स्थिति से वाकिफ करा देता हूं। देखिए, यहां पे ये जो है यात्री सेट का निर्माण कराया गया था जो कि जर्जर हो चुका है। दूसरी बात, इधर जो है जल मीनार का निर्माण कराया जा रहा था, इसको आप जल मीनार नहीं बोल सकते हैं, इसको जलबिन मीनार है ये, क्योंकि जो है शहरवासियों को पानी पिलाने के लिए इनका निर्माण किया गया था। और जल मीनार का काम देख कर आपके मन में बस यही ख्याल आएगा कि ये जल मीनार नहीं जलबिन मीनार है। और उसके बाद अगर देखें तो ग्राउंड के चारों ओर अगर नज़र दौड़ाएं तो गड्ढे पड़े हुए हैं। लोग आसपास के जो हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर जो है घूमने के लिए सुबह सुबह आते हैं और उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल, ये सब सारी वस्तु स्थिति जो था लाजपत पार्क की। और मैं अब चर्चा करता हूँ चुनावी मुद्दे पर। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बार भागलपुर के लोग कैसे प्रत्याशियों को मौका देंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं सर, क्या लगता है, बरसों से मुद्दा रहा है भोलानाथ पुल, जाम की समस्या और हवाई जहाज, इस बार भी यही मुद्दा रहेगा? इस बार भी यही मुद्दा रहेगा। लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है, बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम लोग राजधानी से लगभग 200 किलोमीटर के दूरी पर हैं और यह इलाका शुरू से ही नेतृत्व विहीन रहा है। नेता विहीन तो नहीं कह सकते, नेतृत्व विहीन रहा। धन्यवाद। नहीं, तो सर बढ़िया आपने बात कहा कि जो है नेतृत्वहीन रहा है। तो इस बार क्या लगता है सर, कोई प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी आपके नज़र में जिनके हाथों में इस बार की बागडोर सौंपी जाए तो ये सारी समस्याएं जो है शहर की जो बरसों से चली आ रही हैं ये खत्म हो जाएगी? मूलभूत समस्या है, काफ़ी फंड और काम क्रियावन में जल्दीबाजी चाहिए, तो व्यक्ति विशेष से यह होना बहुत संभव नहीं है। कोई मजबूत पार्टी मजबूत इच्छा शक्ति से काम कराए। मजबूत पार्टी क्या होगी, आपका जो है सेंट्रल में जो है कि बीजेपी की सरकार है, यहाँ गठबंधन में है जेडीयू के साथ, अब क्या चाहिए सर? अब फिलहाल तो अपेक्षा बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग उस हिसाब से पिछड़े हुए, ऐसा लगता है राजधानी से दूर होने के वजह से हम लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। बाकी तो सर, कोई चेहरा यहाँ से? कोई चेहरा तो ऐसे बोलना थोड़ा राजनीतिक लगता है, अब प्रभु की इच्छा, कोई अच्छे लोग आए, बढ़िया नेतृत्व दिखाएं जी। कुछ और लोग हैं सर, क्या लगता है बरसों से जो ये समस्या चली आ रही है शहर की, भोलानाथ पुल, जाम की समस्या, हवाई जहाज, इस बार भी इसी को मुद्दा बनाएंगे लोग? मुद्दा तो वही रहेगा, लेकिन कुछ हम अपने जो पब्लिक हैं मतलब जनता हैं वो उनको थोड़ा जागृत होना पड़ेगा। उनके जागृत होने से ही उसको एकदम रहेगा, वही जब दबाव बना के हम लोग रहेंगे, नहीं तो फिर वही जो इतना साल से चला आ रहा है वही चलते रहेगा। क्या लगता है सर, इस बार भागलपुर की जो बागडोर है वो किनके हाथों में सौंपी जाए, कोई प्रत्याशी? प्रत्याशी का तो नाम ऐसे बताना सही नहीं है, लेकिन जो अच्छे प्रत्याशी हो जनता को उसी को ही वोट देना चाहिए, और जो कि काम करने वाला हो और जो जुझारू हो जाए ऐसे ही व्यक्ति को वोट देना चाहिए। कुछ और लोग हैं सर, क्या 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 लगता है सर कि इस बार जो है किनके हाथों में बागडोर सौंपी जाए भागलपुर की? हम तो यही कहेंगे भाई, ऐसे तेज तर्रार पढ़े लिखे लोग हों जो भागलपुर की संवेदना से जुड़ें, यहाँ की मिट्टी का दर्द उनके जेहन में हो, उनको ये लगे कि हम भागलपुर में पैदा हुए हैं और भागलपुर के लिए हम काम कर रहे हैं, ये सोच के तहत अगर वो चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते हैं तो निश्चित रूप से भागलपुर का विकास होगा, भागलपुर का काम होगा। और नहीं तो फिर सदन में जाएंगे, वो बैठेंगे, अपनी मस्ती करेंगे, बाकी भागलपुर के दर्द से और उनकी संवेदना से लोगों को क्या मतलब है, यही होते आ रहा है। हम लोग जन्म से यहाँ हैं, देख रहे हैं, नेतृत्वहीन, मेरे भाई साहब ने कहा कि सही नेतृत्व वाले लोग भागलपुर के हाथों में नहीं गया, भागलपुर का सत्ता तो है लेकिन लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग दुखी हैं कि डबल इंजन की सरकार में भी हमारे भागलपुर का विकास नहीं हो पा रहा है, यहाँ स्वास्थ्य में भी, सफाई में भी, हर जगह कमी है। भागलपुर में आज जांच नहीं हो रहा है कोरोना का, पटना में जांच हो रहा है, क्या है भाई? बीजेपी के यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, यहीं के मिट्टी की उपज हैं वो लोग, और यहाँ कमजोर हैं क्यों? इस बार से नेतृत्व विहीन है लोग, और हम लोग में भी कमी है कि हम लोग उनको भागलपुर की धरती पर उतरने देते हैं,
उनका भाषण सुनते हैं, बेजा हरकत से हम लोग उनका विरोध नहीं करते हैं, उसका नजायज फायदा वो लोग उठाते हैं। इस बार क्रांति होगी, इस बार लोग सजग होकर वोट करेंगे, तभी भागलपुर के सही लोगों को आकलन करने में समुचित समझदारी बढ़ेगी। नहीं तो फिर वही जो स्थिति बनती है पूर्व की कि सेटिंग गेटिंग और जो दलगत राजनीति के तहत वोटिंग होती है वो रहेगा, तो फिर वही होगा। तो सर आपकी नज़र में कोई चेहरा भागलपुर से? भागलपुर में चेहरे बहुत हैं सर, नाम कितने को गिनाऊं, लेकिन गिनाने के बाद वो उनको मिलेगा टिकट नहीं तो फ़ायदा क्या होगा। बहुत लोग जुहारू हैं, बहुत लोग लड़ाकू हैं, लेकिन उन्हें लोग आने कहाँ देता है सामने, उन्हें तो रोक दिया जाता है कि आप गेट के अंदर रहो, बाहर आओगे तो क्रांति हो जाएगी, इसलिए उनको रोक दिया जाता है। ऐसे लोगों को बाहर आने की ज़रूरत, उन्हीं को बाहर लाना है, तभी विकास संभव है, तभी भागलपुर में लगेगा कि काम हुआ है और होने का भविष्य है, होने वाला है। नहीं तो फिर तो हवाई अड्डे जैसे आप लोग मुद्दा बनाते रहिए, हवाई अड्डा यहाँ नहीं होगा, जगह नहीं है अब हवाई अड्डा बनने का, हवाई अड्डा का मुद्दा बनते रहेगा, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बनने का मुद्दा बनते रहेगा। अभी भोलानाथ पुल का जो आज DPR बन रहा है, हम तो बरसों से जब से होश संभाले हैं DPR बन रहा है, लेकिन उसको धरातल पर नहीं आ रहा है। तो ऐसे कई बाईपास में अभी ख़त्म हो गया, बाईपास में लोग मर रहे हैं अभी भी, तो ऐसे मुद्दे बहुत हैं भागलपुर के लिए, काम कुछ नहीं हो रहा है भैया। यही दर्द है, यही अंदर की टीस है जो आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। भागलपुर के विकास के लिए आप लोग भी साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए, क्रांति जरूरी है, बदलाव जरूरी है, मैं यही कहूँगा। सर क्या लगता है इस बार किनके हाथों में बागडोर सौंपी जाए भागलपुर की, जो कि विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी? देखिए कोई भी नेता आवे, कोई भी रहे, उससे हमको लेना देना नहीं, हमको विकास चाहिए भागलपुर का। भागलपुर जैसे स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम तो 20 वर्ष से देख रहे हैं कि यहीं के मिनिस्टर, यहीं के बड़े बड़े नेता, अच्छे अच्छे मिनिस्टर बन के चले गए, चर्चा मिनिस्टर बन के गए, लेकिन भागलपुर वहीं का वहीं है। इसलिए यहाँ कहना बहुत मुश्किल है, कोई भी आए उससे लेना देना नहीं है हम लोग को, हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग को अच्छा काम होना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, एक बात जो सामने आई कि भागलपुर में नेता की कमी नहीं है, नेतृत्व की कमी रही है, तो ये बातें थी जनता की। और मैं भी चाहूँगा कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल रखिए, और अगली बार जब भी हम दूसरे जगह पर हम जनता के बीच होंगे तो आपके सवाल को हम जनता के पास रखेंगे। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।